पंजाब में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने और सड़क सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए पंजाब पुलिस ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। दरअसल पंजाब पुलिस ने मूविंग ट्रैफिक वायलेशन और पर केंद्रित राज्य स्तरीय रोड सेफ्टी एजुकेशन और इन्फोर्समेंट ड्राइव की शुरुआत की है। मूविंग ट्रैफिक वायलेशन में शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट ना पहनना या सीट बेल्ट ना लगाना, तेज रफ्तार, हाई बीम गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना शामिल है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने कहा कि सारी इन्फोर्समेंट रणनीति पिछले साल की घटनाओं और सड़क हादसों के कारण के आधार पर योजनाबद्ध की गई है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब में लगभग सड़क हादसों में रोजाना 11 से 12 लोगों की जान जाती है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही हादसों को रोका जा सकता है। वहीं पंजाब परिवहन विभाग की तरफ से स्कूली जोनों में वाहनों की गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय किए जाने के बाद डीजीपी ने ट्रैफिक पुलिस को इन आदेशों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका तुरंत चालान किया जाए।